नमस्कार दोस्तों, मैं BSES से विद्युत कुमार हूं और मैं यहां आपके साथ कुछ खुशखबरी साझा करने आया हूं। भारत ने विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में एक बड़ी छलांग लगाई है। वास्तव में 190 देशों में से भारत की रैंक 77वें स्थान से 63वें स्थान पर पहुंचने के साथ ये 2020 के अध्ययन में सबसे बड़े सुधारकों में से एक रहा है। लेकिन हमारे लिए इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि विश्व बैंक अब भारत को बिजनेस करने के लिए कई अन्य ब्रिक्स देशों जैसे ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका व पश्चिम एशियाई अर्थव्यवस्थाओं जैसे कतर और सऊदी अरब की तुलना में सरल स्थान मानता है। मुझे पता है कि ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छी खबर है और मैं बहुत उत्साहित हूँ। लेकिन आइए शुरू से शुरू करते हैं। मुझे यकीन है कि आप सभी को विश्व बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के बारे में पता है, लेकिन आइए हम इसे संक्षिप्त में समझते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित एक सूचकांक है। बिजली प्राप्त करने में आसानी सहित इसके कई पैरामीटर हैं जो किसी देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को परिभाषित करते हैं। 2002 में विश्व बैंक ने घरेलू, लघु और मध्यम आकार की कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए डूइंग बिजनेस प्रोजेक्ट शुरू किया और उनके जीवन चक्र के माध्यम से उन पर लागू होने वाले विनिमयों को मापना शुरू किया। ये परियोजना उपराष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर 190 अर्थव्यवस्थाओं को चयनित शहरों में बिजनेस रेगुलेशन और उनके इन्फॉर्मेशन के उद्देश्यपूर्ण उपाय प्रदान करती है। 2003 में प्रकाशित पहली डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में 5 संकेतक सेट और 133 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया। इस वर्ष वित्तीय वर्ष 2018-19 की रिपोर्ट में 10 संकेतक सेट और 190 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। अब हम सभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कॉन्सेप्ट के महत्व को और ये कैसे देश की अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाता है के बारे में पूरी तरह से स्पष्ट हैं। मुझे यकीन है कि आप ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि भारत ने दो विशिष्ट मापदंडों पर कैसे काम किया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। इन परिणामों को देखकर आप खुश होंगे। अक्टूबर 2019 में जारी किए गए सर्वेक्षण में भारत ने एक बार फिर 63वें स्थान को पाने के लिए विश्व बैंक की नवीनतम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में 14 स्थानों की बड़ी छलांग लगाई। न केवल भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है बल्कि दक्षिण एशिया में सर्वोच्च रैंक वाली अर्थव्यवस्था भी बन गया है। 10 में से 6 पैरामीटरों में सुधार करके भारत ने लगातार तीसरे वर्ष दुनिया के शीर्ष 10 सुधारकों में अपना स्थान बनाया है। कुछ वर्ष पहले भारत ने पहली बार एलीट लिस्ट में शीर्ष 100 में पहुंचने के लिए छलांग लगाई थी। बिजली प्राप्त करने में सरलता पर भारत ने पिछले एक वर्ष में 24वें से 22वें पर आकर एक वर्ष में 2014 से 115वें पर आकर सुधार किया है और अब दुनिया के शीर्ष 25 देशों में आता है। ईज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ने इसमें अपना काम किया। मुझे यकीन है कि आप बिजली कनेक्शन लेने की प्रक्रिया में सुधार के बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे। यही कारण है कि मैं यहाँ हूँ। इसलिए सुधार की सराहना करने के लिए आइए जानें पहले क्या होता था, फिर इससे इसकी तुलना करें। पहले एक नया बिजली कनेक्शन लेने में 27 दिन या उससे भी अधिक का समय लगता था, जिसमें 100 किलोवाट और 140 किलोवाट के बीच गैर घरेलू कनेक्शन भी शामिल था। बाद में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के अंतर्गत इसे घटाकर 15 दिन कर दिया गया। और अब देवियों और सज्जनों, अपनी सांसें रोक कर सुनिए। सिर्फ 7 दिन लगते हैं एक नया कनेक्शन प्राप्त करने के लिए, जहां सड़क काटने सहित कोई अनुमति आवश्यक नहीं है। जहां आपको ऐसी अनुमति की आवश्यकता होती है, उस स्थिति में भी सिर्फ 15 दिन लगते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 415 वोल्ट आपूर्ति पर 100 किलोवाट और 140 किलोवाट के बीच बिजली के लोड के लिए लागू होता है। लेकिन विश्व बैंक एक बिजली कनेक्शन से संबंधित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को कैसे पहचानता है? वास्तव में ये एक स्टैंडर्डाइज्ड वेयरहाउस के लिए एक स्थायी बिजली कनेक्शन प्राप्त करने और सप्लाई करने के लिए बिजनेस हेतु आवश्यक सभी प्रक्रियाओं को रिकॉर्ड करता है। ये तब इन प्रक्रियाओं का विश्लेषण, इनकी तुलना करता है और सुधारों को प्रेरित करता है। BSES ने विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग को बेहतर बनाने में अपनी भूमिका निभाई है। इसने बिजली कनेक्शन प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया, इस प्रकार बिजनेस के लिए पर्यावरण को बेहतर बनाने में मदद की। उठाए गए कुछ कदमों में निम्नलिखित शामिल है। नए कनेक्शन के आवेदन हेतु ऑनलाइन सेवा। आज उपभोक्ता BSES की वेबसाइट bscsdelhi.com और मोबाइल ऐप के माध्यम से नए कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन करने, दस्तावेज
अपलोड करने, ट्रैकिंग और भुगतान करने के लिए ऑनलाइन सुविधा है। केवल दो दस्तावेजों की आवश्यकता है, स्वामित्व प्रमाण, पहचान प्रमाण, सरलीकृत नया कनेक्शन प्रपत्र और प्रक्रियाएं। 5 से 3 तक प्रक्रियाओं की संख्या में कमी, यह समय कम करने के लिए एक अतिरिक्त कदम था। निर्धारित समय सीमा के भीतर कनेक्शन जारी करने के लिए आंतरिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, सुदृढ़ करना और उन पर पुनः कार्य करना। SCADA OMS जैसी उन्नत प्रणालियों को लाकर विश्वसनीयता बढ़ाना। बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया को सरल बनाने में BSES की कड़ी मेहनत ने समृद्ध लाभांश दिया है। सभी हितधारक सुधारों से बहुत प्रसन्न हैं और उनसे ली गई प्रतिक्रिया बहुत सकारात्मक है। हमारे ग्राहक का क्या कहना है, इसे सुने। हमारे एक इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड शोरूम है, तो यहाँ पे मोस्टली क्या कि सारे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो 90% के 100% लाइव ही रहते हैं। जब हम उनके पास गए तो उन्होंने बहुत अच्छे से हमें ट्रीट करा, वहाँ जाके सारा प्रोसेस हमें समझाया, इवन हमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में भी समझाया। जब उन्हें ऑनलाइन हमने रजिस्ट्रेशन किया तो उन्होंने हमसे मैक्स टू मैक्स 15 से 16 दिन का टाइम भी मांगा था, बट हैट्स ऑफ टू डैम कि इतना हैवी लोड उन्होंने 8 दिन के अंदर हमें प्रोवाइड कर दिया। आई एम ग्रेटफुल टू BSES राजधानी पावर लिमिटेड फॉर गिविंग अस सैटिस्फैक्टरी सर्विसेज to enhance the load of our school. We applied as per on the line as well applications and the work has been done. Not only this, as this is a charitable society and we work on the donations from other people, we were allowed to pay the security deposit into the various installments, into 3 to 4 installments. इंडस्ट्री चला रहे हैं तो उसके अंदर हमारे को कभी भी ऐसी फैसिलिटी नहीं मिलती थी कि हमारे को पहले ही SMS आ जाए, हमारे को आज का कट का पता लग जाए कि आज कट होएगा। आज हमारे को इतनी ज़्यादा फैसिलिटी मिली है कि हमारे को पहले ही पता लग जाता कि आज इतने टाइम से लेकर इतने टाइम तक शटडाउन है, या तो आप अपनी छुट्टी रख सकते हैं। तो इससे हमारे को देखो लेबर को भी हैंडल करना हमारा बहुत बेनिफिट होता है। BSES टीमना पावर सप्लाई ने काफ़ी इनिशिएटिव उठाए हैं ताकि कस्टमर को, हमारे जैसे बिजनेसमैन को, ई जॉब डूइंग बिजनेस में इस टाइप की सुविधा मिलती है तो हम और भी काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इस सुधार प्रक्रिया से कंज्यूमर्स को, खासकर बिजनेसमैन को, अपने बिजनेस में, अपने बिजनेस डेवलपमेंट में, अपने प्लानिंग्स में ज़्यादा समय मिल सकेगा और ज़्यादा बेहतर ढंग से वो अपने बिजनेस को कर सकेंगे। BSES ने विश्व बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक में भारत को बिजली के क्षेत्र में एक लंबी छलांग लगवाई है।